हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आज का हमारा स्कॉलरशिप का बहुत अच्छा टॉपिक है। इस जो समस्या आई है इसकी, यह समस्या से पूरा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप वाले काफी परेशान हैं, काफी चिंतित हैं। और जो टॉपिक है वो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज आप लोग चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको स्कॉलरशिप की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और स्टूडेंट की सहायता हो सके उनको भी फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, मैं पूरी आपकी हेल्प करता हूं। कई वीडियो मैंने बना के आप लोगों को दिया है कि आप लोगों की सहायता हो, आप लोगों का स्कॉलरशिप मिल सके। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी जो स्कॉलरशिप की योजना है उनका लाभ मिल सके। अब हम चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और आपके बताते हैं इस समस्या का समाधान। तो जो स्कॉलरशिप का आपने फॉर्म भरा है, सभी स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, यदि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में लिख कर आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इसके लिए देखिए आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा बात नहीं है और न ही घबराने की बात है कि आपका फॉर्म सही है। पहले तो ये जान लीजिए कि आपका फॉर्म सही है और आपने उसको जमा किया था कॉलेज में, कॉलेज वालों ने उसको आपका फॉर्म फॉरवर्ड किया, अब वो चला गया है समाज कल्याण विभाग। अब चलिए हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग में क्या हुआ आपके फॉर्म के साथ, ये क्यों लिखकर आया। तो आप बात ध्यान से समझिएगा, आपने फॉर्म भरा, कॉलेज में जमा किया, कॉलेज से समाज कल्याण विभाग भेजा गया, वहां पे क्या है आपका फॉर्म, ये जो लिख के आ रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसका मतलब हुआ कि कॉलेज के द्वारा फॉर्म तो भेज दिया गया, परंतु आपका फॉर्म जिला स्तर पे समाज कल्याण विभाग के स्तर पे अभी पेंडिंग है। भाई पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब आपका फॉर्म अभी न तो चेकिंग हुआ है, न ही फॉर्म आपका परीक्षण हुआ है और न ही फॉर्म की आपकी जांच हुई है। अभी जिला स्तर पे जैसे कॉलेज में भेजा था वैसे ही है, अभी उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब आपके फॉर्म के साथ देखिए काम क्या होगा, अभी फॉर्म आपका समाज कल्याण विभाग चेकिंग करेगा, उसके बाद आपका फॉर्म एनआईसी आपका फॉर्म भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए, जांच के लिए। जब वहां आपका फॉर्म जाएगा तो चेकिंग हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका फॉर्म सही हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। परंतु यदि आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग एनआईसी को भेजता है और एनआईसी आपके फॉर्म का परीक्षण करता है, जांच करता है, अगर कुछ गलती पाता है तो आपका कहां फॉर्म भेजेगा, संशोधन में, सस्पेक्टेड डाटा में, करेक्शन में भेज देगा, और आपका करेक्शन में नाम आ जाएगा कि ये आपकी प्रॉब्लम है। और करेक्शन का भी आपने मेरा वीडियो कई जो देखा था, मैंने बताया भी है पहले भी, करेक्शन कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो आपको अभी धैर्य रखना है, इंतजार रखना है, जो पेंडिंग एट स्कॉलरशिप कमेटी वाले जितने स्टूडेंट का डाटा ऐसा आया है लिख के अपने फॉर्म में, आपको अभी इंतजार करना है। भाई आपका परीक्षण हो रहा है, जांच हो रही है, एनआईसी सर्वर जो है आपका चेकिंग करने के बाद आपका वेरीफाई कर देगा, आगे सही कर देगा, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आएगा, यदि कोई त्रुटि या कोई करेक्शन नहीं रहा तो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में यदि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख के आ रहा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका फॉर्म चेकिंग हो रहा है, सही हो रहा है, उसकी जांच की जा रही है, और आप जैसा होगा आगे आपका स्टेटस में शो करेगा कि आपका कहां पे प्रोग्रेस हुआ है, आपके फॉर्म के साथ क्या क्या हुआ है। तो आप अपना धैर्य बनाए रहें, आपका फॉर्म परीक्षण होने के बाद आपको पता चल जाएगा, अपना बराबर स्टेटस चेक करते रहें। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।